तो यार गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। हालांकि मैं मानता हूँ ये वाला वीडियो अपनी बहुत ही ज़्यादा समय के बाद आ रही है, क्योंकि कुछ तो टाइम नहीं लगता और कुछ आलस्य हो जाते हैं। और गाइस, आज की वीडियो भी बनाने का दिल इसलिए कर गया क्योंकि आज का जो मौसम आप देख सकते हो, घने सारे बादल हो रखे हैं और मौसम हो रखा है बहुत ही ज़बरदस्त। मैं हालांकि पहले की बात थी, आज का अपने ट्यूबवेल के ऊपर आपको दिखाऊँ तो ये देख सकते हो, अपने ट्यूबवेल पर लाइट भी आ रखी है और मोटर चल रही है। यहाँ पे देखो नोजल चल रहे हैं गेहूँ के अंदर और गेहूँ हो चुके हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े। हालांकि ये मतलब लगभग 10 से 15 दिन के अंदर इनको कटाई का समय हो जाएगा और आज मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रखा है। तो गाइज, आज की वीडियो में आपको ये दिखाने वाला हूँ कि मौसम में जो आज जो बादल हो रखे हैं ये बहुत ही तेज़ी से साउंड कर रहे हैं, यानी कि जो गरज रहे हैं, गरजना जिनको बोलते हैं। तो आज हम इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि हमने काफ़ी बार एक चीज़ सुना है कि गरजने वाला कभी बरसता नहीं है। तो आज देखेंगे कि ये जो बादल हैं बहुत ही तेज़ी से गरज रहे हैं। आपको मैं वीडियो में इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगा, साउंड बहुत तेज़ी से गरज रहे हैं। तो आज गाइस देखेंगे कि जो गरजने वाले जो बादल होते हैं वो रियल में ही नहीं बरसते, या फिर ये कहावत झूठी है। आज इसी मिथ पे वीडियो बना रहे हैं कि गरजने वाले बरसते हैं या फिर नहीं बरसते हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया इनको गरजते हुए और इस साइड में देख सकते हो इस साइड में बादल है नहीं, क्योंकि इस साइड के जो बादल हैं वो इस साइड में जा रहे हैं, हवा कुछ इस प्रकार से बह रही है तो ये सारे के सारे बादल इस साइड में जा रहे हैं। तो गाइस देखेंगे कि जो गरजने वाले बादल बरसते हैं नहीं बरसते। बेचो बेचो। और गाइस हवा है जो वो बहुत तेज चल चुकी है बहुत तेजी से, और देख सकते हो लाइट भी आ रही है, नोजल चल रहे हैं। आपको दिखा देता हूँ मैं सारी चीजें और आपको यहाँ का एक बार ओवरव्यू भी दिखा देता हूँ चारों तरफ का। ये देख सकते हो कितना मस्त मौसम है और गाइस हवा है वो बहुत तेज़ी से चल रही है। शायद मेरी आवाज़ आने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि हवा चल रही है और धीरे धीरे थोड़ी फुहारे भी आने लगी हैं। तो देखते हैं जो गरजने वाले बादल आज बरसेंगे या फिर नहीं बरसेंगे, इस मिथ ये मिथ कितना काम करता है। और इधर देखो कितना मस्त है। तो इसी प्रकार की यदि आप वीडियो देखना चाहते हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बनाते हैं काफ़ी दिनों के बाद लेकिन वीडियो बनाते ज़रूर है, आपको कुछ कवर दिखाने की कोशिश मैं ज़रूर करता हूँ। अब मैं पिछले कैमरे से आपको एक बार चारों तरफ का और व्यू दिखा देता हूँ कितना शानदार आ रहा है। ये देखो भाई, ये नोजल चल रहे हैं, इस साइड से हवा इस साइड में आ रही है तो इस साइड में तो पानी जो है वो कम जा रहा है और इस साइड में जो है वो बहुत ही ज़्यादा जा रहा है। और सुबह जो है हवा इस साइड में बह रही थी तो मैंने ये लाइन यहाँ पे लगा दी, हालांकि इस हिसाब से यहाँ पे लगनी चाहिए थी। और हवा की बहुत ज़्यादा आवाज़ शायद आपको आ रही होगी कैमरे के अंदर, क्योंकि हवा की आवाज़ की क्लियरिटी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि यार हवा है वो बहुत तेज़ चल रही है और बादल हैं वो गरज रहे हैं। अब देखते हैं गरजने वाले बादल बरसते हैं या फिर नहीं। बाकी आपको एक बात बता दूँ, ये जो हवा चल रही है ये किसानों के लिए गलत है, क्योंकि गाइज जो ये गेहूं हैं ये अभी पकने वाले हैं, यानी कि मोस्टली 50% ये पक्के तैयार हो चुके हैं। इनकी जो ऊपर ये जो बोलते हैं इनको गाइज, ये वाली ये तो जो है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ये जो इनकी बाल होती है गाइज इनमें वजन हो चुका है और उस वजन से ये इस प्रकार से गिर जाएंगे नीचे, फिर कटाई में भी दिक्कत आएगी और ये पकेंगे भी अच्छे से नहीं। तो मौसम इस समय गलत है, ऐसा मौसम नहीं होना चाहिए था, बट क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले का सब हाथ में होता है गाइज। और उस साइड में लग रहा है कि वहाँ पे शायद बारिश हो रही है, बाकी बादल अपने यहाँ पे आवाज़ कर रहे हैं। तो देखते हैं बरसेंगे या फिर नहीं। तो बरसते हैं तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, और अगर नहीं बरसेंगे तो भी आपको पता चल ही जाएगा। अगर नहीं दिखा पाऊँ तो समझ लेना कि नहीं बरस रहे हैं। बाकी आपको ऐसा मौसम कैसा लगा, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए अपने चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज इसके साथ साथ एक चीज़ और भी कवर हो जाएगी, एक मिथ और भी चलता है कि जब बिजली चमकती है वहाँ पे फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो बिजली है वो गिर जाती है। और ऊपर अपने देखो लाइन है 11,000 की, तो इस लाइन से तो मैं साइड में हो जाता हूँ बिकॉज सेफ्टी ज़रूरी है, लेकिन मोबाइल पर बिजली गिरती है तो मेरी वीडियो नहीं आ पाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बिजली मेरे ऊपर गिरेगी तो आई एम फिनिश। और अगर ये आप वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब बिजली मेरे ऊपर नहीं गिरी और मैं अभी जिंदा हूँ। और वहाँ पे देखो ट्रांसफार्मर है, तो ऐसा भी बोलते हैं कि ऐसी चीज़ों पे जो बिजली है उनकी गिरने की संभावना कुछ ज़्यादा ही होती है। और गाइस ये देखो अपने गेहूं और ये इनकी जो बाल बोलते हैं हमारी भाषा में, ये अभी पकने वाले हैं, अभी तो ये हरे भरे हैं लेकिन ये धीरे 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 अपना कलर जो है चेंज करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पर हो चुके हैं देखो इस प्रकार से। फिर इनकी कटाई भी करेंगे, सभी चीज़ें व्लॉग में कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी आज देखना ये है कि गरजने वाला बरसता है या फिर नहीं। तो यार गाइज एक चीज़ तो ये मिथ तो गलत हो गया कि गरजने वाले कभी बरसते नहीं है, गरजने वाले भी बरसते हैं गाइज, आपको मैं बता दूँ, आप देख सकते हो लाइव उदाहरण है आपके सामने।
ये बादल कितनी तेजी से गरज रहे थे और ये भी बरस रहे हैं, तो मतलब गरजने वाले भी बरस सकते हैं, इस वह में मत रहना। वो बंद करते हैं लाइट, लाइट बंद करते हैं गाइस, मोबाइल बंद करते हैं यार। तो गाइस ये वीडियो बनाने का मेरा वो मोटिव यही था कि क्या गरजने वाले सचमुच नहीं बरसते, तो आपको बता दूं गरजने वाले भी बरसते हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा के, वीडियो पसंद आई तो लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।